लग रही है ना कितनी क्रीमी स्मूथ और सॉफ्ट हमारी वनीला आइसक्रीम, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है। इस वनीला आइसक्रीम को मैंने बहुत ही कम और इजीली मिल जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सीक्रेट तरीका भी बताऊंगी जिससे आपकी आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ विभा और मेरे चैनल टेस्टी फूड बाय विभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन उससे पहले जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में जाएगा 1 लीटर फुल क्रीम दूध। ये मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ कढ़ाई में। चलिए, दूध तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। अब गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और दूध को एक बॉयल आने देंगे। बीच बीच में हमें दूध को हल्का हल्का चलाते रहना है ताकि जो दूध है वो कढ़ाई से लगे ना। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हमें फुल फैट यानी फुल क्रीम दूध ही लेना है वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए, क्योंकि फुल फैट दूध में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और उससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी जमती है और उसमें आइस क्रिस्टल्स भी नहीं आते। तो इस बात का खास ध्यान रखें, फुल क्रीम दूध ही लें। और दूध को बॉयल आने देंगे, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तो आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ चुका है। इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम लो कर देंगे और दूध को 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि दूध और भी गाढ़ा हो जाए, और दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरह से। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है, हम लेंगे एक ऐसा छोटा बाउल, इसमें डालेंगे 3 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं। अब इस कस्टर्ड पाउडर में जाएगा 1/4 कप दूध। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे जब हम ये स्लरी बना रहे हों कस्टर्ड पाउडर की, इसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए। और ध्यान रहे, हमने जो ये कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बनाने के लिए दूध लिया है, ये हमें ठंडा या ताज़ा दूध ही लेना है। या तो ठंडा लें या रूम टेम्परेचर पर लें, क्योंकि अगर आप गर्म दूध से स्लरी बनाएंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी एकदम बढ़िया कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बनके तैयार है, इसमें एक भी लंप नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसे साइड पर रख देते हैं और अपना दूध चेक कर लेते हैं आप। तो हमारे दूध को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये साइड पे मलाई जम रही है ना कढ़ाई के, इसको स्क्रेप करते हुए हम दूध में मिलाते जाएंगे। इसको स्क्रेप करके दूध में मिलाने से क्या होगा, जो हमारी वनीला आइसक्रीम है ना वो और भी ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट जमेगी। तो ध्यान रहे जो कढ़ाई के साइड पर मलाई हो उसको स्क्रेप करते जाएं और दूध में मिलाते जाएं। तो चलिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, इसको मैं 2 मिनट और पका लेती हूँ। तो दूध को पकते हुए टोटल 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर की स्लरी जो हमने रेडी करी थी। तो ध्यान रहे कस्टर्ड पाउडर की स्लरी ऐड करने से पहले इसको थोड़ा सा हिला लेंगे 1 चम्मच से, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो इसको एक बार अच्छे से 1 चम्मच से हिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर की स्लरी ऐड करते जाना है और एक हाथ से दूध को मिक्स करते जाना है ताकि लंप्स ना पड़े। तो चलिए, मैं इसे ऐड करती हूँ और साथ साथ मैं मिक्स करती जाऊँगी दूध को। चलिए, अब लगभग 1/2 से 1 मिनट के दूध को चलाते रहेंगे कस्टर्ड पाउडर की स्लरी डालने के बाद, ताकि इसमें कोई लंप्स ना बने। अब दूध में जाएगी 1/2 कप चीनी। 1/2 कप चीनी मतलब ये लगभग 6 से 7 टेबलस्पून है। तो ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। तो देखिए, चीनी मैंने अच्छी क्वांटिटी में इसलिए डाली है क्योंकि ठंडी हो जाने के बाद आइसक्रीम में थोड़ी मिठास कम हो ही जाती है। तो इतनी आइसक्रीम के लिए जितनी मैंने चीनी डाली है, 6 से 7 टेबलस्पून, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हो तो थोड़ी कम डाल दीजिएगा। चलिए, चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमें लो फ्लेम पर ही दूध को 8 से 10 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि दूध और भी गाढ़ा हो जाए। तो चलिए, मैं इसे 10 मिनट और पका लेती हूँ लो फ्लेम पर। तो मुझे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं दूध को पकाते हुए। आप देख सकते हैं दूध पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है।
अब इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को गैस से उतार लेंगे और दूध को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये दूध है ये पूरी तरह रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब इसी स्टेज में दूध में जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ऐड कर देंगे, ये मिक्स कर देंगे एक बार अच्छे से। ये हमारी वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर और भी एनहांस कर देगा। अब देखिए अपनी वनीला आइसक्रीम को और भी ज़्यादा क्रीमीनेस देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दूध की मलाई। आप चाहें तो 1/2 कप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मलाई ली है जो दूध पर आ जाती है। ये ऐड कर देंगे, ये 1/2 कप है। चलिए ये ऐड हो गई, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई डालने से देखिए क्या होगा, हमारी जो वनीला आइसक्रीम है और भी ज़्यादा क्रीमी, स्मूथ और सॉफ्ट जमेगी। तो ये दूध की मलाई तो सबके घरों में होती है, तो आप इजीली आपके पास अवेलेबल होगी, आप डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अमूल फ्रेश क्रीम डाल दीजिएगा 1/2 कप। अच्छे से मिक्स कर देंगे मलाई को दूध के साथ। तो हमारा वनीला आइसक्रीम का मिक्स बिल्कुल रेडी है। मैं कढ़ाई को थोड़ा साइड पे ले आती हूँ और ये देखिए ये मैंने लिया है एयर टाइट बॉक्स इस मिक्स को ट्रांसफर करने के लिए इसके अंदर। तो चलिए हमारा जो ये वनीला आइसक्रीम का मिक्स है ये मैं इस एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जो वनीला आइसक्रीम का मिक्स है ये एयर टाइट बॉक्स में सारा ट्रांसफर कर दिया है। अब देखिए हमारी वनीला आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना जमे, उसके लिए हमें क्या करना है, हम लेंगे एक क्लिंग रैप। ये देखिए मैंने क्लिंग रैप लिया है। अब देखिए हमारा जो ये क्लिंग रैप है ना ये हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं लगाना है, जो हमारा वनीला आइसक्रीम का मिक्स है ना इसको ये टच करना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, जो दूध का पैकेट आता है उसे साफ़ करके धो लीजिए और सुखा लीजिए और वो भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक क्लिंग रैप था इसलिए मैंने यही लगा दिया है। बहुत सारी ऑप्शन है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल मिक्स के ऊपर ये टच हो रहा है। तो देखिए आप नोटिस करेंगे जो मेरा वनीला आइसक्रीम का मिक्स है मैंने सारा उसके ऊपर टच करते हुए ये क्लिंग रैप लगाया है। तो देखिए क्लिंग रैप लगाने से या प्लास्टिक शीट लगाने से क्या होगा, हमारी जो आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं जमेंगे, हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, क्रीमी और सॉफ्ट जमेगी। तो चलिए ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो देखिए बॉक्स को मैंने बंद कर दिया है। अब इस बॉक्स को हमें 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है ताकि आइसक्रीम जो है सेमी फ्रीज यानी सेमी सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ क्या करना है। तो 3 घंटे हो चुके हैं हमारी वनीला आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे, मैंने इसे बाहर निकाल लिया है फ्रीजर से। तो चलिए चेक कर लेते हैं, मैं इसका ये क्लिंग रैप भी हटा देती हूँ। वाव बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सेमी फ्रीज हुई है। अब हमें क्या करना है, इस वनीला आइसक्रीम को इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेना है। तो ये मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार, ये मैं सारी जो वनीला आइसक्रीम है इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी आइसक्रीम को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लिया है, जार क्लोज कर देंगे। अब इस आइसक्रीम को हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे लगातार ब्लेंड नहीं करना है, पल्स पर करना है, यानी रुक रुक कर ब्लेंड करना है, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है इस वजह से हमें इसे रुक रुक कर ही ब्लेंड करना है। तो चलिए मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए आइसक्रीम को मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना स्मूथ, कितना क्रीमी बना है हमारा वनीला आइसक्रीम का मिक्स, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो देखिए ब्लेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लेंड करते समय आइसक्रीम मिक्स में एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जिससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी, स्मूथ और सॉफ्ट जमती है, इसलिए हमने इसको एक बार ब्लेंड कर लिया है। अब क्या करना है, इस मिक्स को वापस हम एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ और फ्लफ़ी हो गया हमारा आइसक्रीम का मिक्स। कोई कह सकता है कि ये वनीला आइसक्रीम हमने बिना व्हिपिंग क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क के बनाई है। तो चलिए मैंने सारा वनीला आइसक्रीम का जो मिक्स है इस एयरटाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको मैं वापस उसी क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी आइसक्रीम मिक्स को टच करते हुए, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं करना है, टच करते हुए करना है कवर। चलिए मैंने क्लिंग रैप भी लगा दिया है, बॉक्स को कवर कर देंगे लिड से। अब इस बॉक्स को फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, या आप इसे ओवरनाइट भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं 7 से 8 घंटे के बाद।
तो लगभग 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। चेक कर लेते हैं, अब इसका क्लिंग रैप भी मैं हटा देती हूँ। वाव, देखिए देखने में कितनी क्रीमी और सॉफ्ट लग रही है। और आपको ये दिख रही है जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये जो होल्स हैं छोटे छोटे, ये इंडिकेशन है कि हमारी जो ये वनीला आइसक्रीम है बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और क्रीमी जमी है। तो चलिए मैं आपको वनीला आइसक्रीम को स्कूप आउट करके दिखाती हूँ ये कितनी स्मूथ बनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी वनीला आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लिया है। इसके आपको आइसक्रीम के टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा ये कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी और कितनी सॉफ्ट जमी है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये आइसक्रीम इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है लेकिन तब भी टेक्सचर में, फ्लेवर में ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है और टेस्ट में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल टेस्टी फूड बाय विभा को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोस भी मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। बाय बाय।